वो भी आपने जब भोपाल में घोषणा की उसके एक दिन पहले आप माइक का आशीर्वाद लेके भोपाल गए थे और आपने घोषणा की। और एक थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं, वो कन्यादान योजना जिसकी घोषणा आपने दतिया में की, ये सौभाग्य दतिया का है कि आपने राष्ट्रव्यापी इन योजनाओं का शुभारंभ दतिया से किया। मुख्यमंत्री जी, वैसे तो आपने दतिया को बहुत दिया है और सच में यह प्रदेश का सौभाग्य है कि आप जैसा व्यक्ति इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। यह कोरोना महामारी जिसके लिए आपने आज इस प्रधानमंत्री जी के अभियान की शुरुआत परासरी गांव से की है, जब विश्व इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा मध्य प्रदेश में सेकेंड वेव में आप जैसे नेतृत्व ने और फर्स्ट वेव में आप जैसे नेतृत्व में हमें संबल दिया। आप जब रात रात भर जगते थे तो हमारी हिम्मत होती है अस्पताल में जाने की, जब आप रात रात भर दिन दिन भर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का चरै व्यति मंत्र को अंगीकार स्वीकार करके अमल में लाते थे, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है मुख्यमंत्री जी कि आपके कारण से दतिया की पॉजिटिविटी रेट संक्रमण 10-42% होने के बावजूद भी सबसे कम कैजुअलिटी अगर कहीं हुई तो हमारी दतिया जिले के अंदर। ये अलग बात है कि आपने हमें जिम्मेदारी निवाड़ी टीकमगढ़ छतरपुर की दी और वहां के पेशेंट आते थे, लास्ट समय में आते थे और आपके कारण से मुख्यमंत्री जी रात को 2 बजे भी जब आपसे कहा तो आपने दतिया को ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई। एक दिन भी दतिया के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक दिन भी दतिया के अंदर कमी नहीं हुई। जब भी रात को आपको फोन लगाया आपने आधी रात को यहां पर व्यवस्था की और माई की कृपा और आपकी माई और भाई दोनों ने मिलकर के दतिया को इस संकट से उबारा। सर्वाधिक संक्रमण दर होने के बाद, और इसके लिए मैं आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपको बुलाने को तो खड़ा हुआ ही हूं, लंबा भाषण मैं देना भी नहीं चाहता। दतिया को आपने इतना दिया है कि कल मैंने जब कार्यकर्ताओं के बीच बैठक कर रहा था आपके आगमन की, और आपने निर्देश बार बार कहा था भीड़ कैसे भी नहीं होनी चाहिए और कार्यकर्ता जिद पे आमादा था कि आभार व्यक्त तो करने दो, मैंने कहा कि विषयांतर हो जाएगा, थोड़ी भी भीड़ कर देंगे तो विषयांतर हो जाएगा, हमने गाइडलाइन का पालन नहीं किया। और उस वक्त मैंने इन कार्यकर्ताओं से ये पूछा कि अच्छा बताओ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ मांग करें तो कोई समस्या बताओ, और आप तो मुख्यमंत्री जी आपकी कृपा से माई की कृपा से ये कार्यकर्ता एक समस्या नहीं बता पाए कि इसका समाधान कर लो। आपने इतना दिया है, भरपूर दिया है, पर हमने जो नारा लगाया था आपने उसे पूरा किया है और नारा था हमारा सीएम का बन गया है मन। आभार के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें आदरणीय, और आप सबसे निवेदन तालियां बुलाएं आपकी जोरदार तालियां। सबसे पहले माई के चरणों में प्रणाम करता हूं, और माई के दर्शन करके ही आया हूं। ये तय किया था कि टीकाकरण वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ माई के दर्शन करके दतिया जिले से ही प्रारंभ किया जाएगा, और इस अवसर पर उपस्थित हमारे यशस्वी गृह मंत्री, आपके अत्यंत लोकप्रिय नेता यहां के विकास पुरुष डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, हमारी यशस्वी सांसद बहन श्रीमती संध्या राय जी, हमारी लोकप्रिय विधायक रक्षा सरोया जी, जिलाध्यक्ष हमारे
आदरणीय बहरिया जी, मंडल अध्यक्ष जी, हमारे कितने वरिष्ठ साथी आज नीचे बैठे हैं, एक एक को नाम से जानता हूं, लेकिन आज मंच की मर्यादा कोरोना के कारण है, क्योंकि हमको जनता को शिक्षित करने का काम भी हमको करना है, कोरोना में भीड़ नहीं लगानी चाहिए ये। और इसलिए मैं माफी चाहता हूं, उनको मेरे साथ यहां खड़े होना था, बगल में बैठना था, लेकिन मुझे माफ करें, जब परिस्थिति सामान्य हो जाएगी तो गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, बहुत प्रेम से बात करेंगे, अभी वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। मैं परासरी की जनता से भी माफी चाहता हूं, उन्होंने बड़ी माला बनाई थी, लेकिन यह समय माला पहनने का नहीं, एक संकट से लड़ने का समय है। ऐसा संकट जिसने सारी दुनिया में त्राही त्राही मचा दी, की बचाओ और प्रधानमंत्री जी क्या बचा, मेरी बेटियों को तिलक लगाना था, आज मैंने नहीं लगाया, मैं कभी और चुनूंगा, क्योंकि अभी पास से तिलक लगाना भी कोविड के नियमों का पालन है। बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी दूरी बनाने को विवश हो जाए, ये अलग तरह की महामारी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो पहली लहर से ही सावधान कर रहे हैं, लॉकडाउन, दूरी बनाओ, मास्क लगाओ। मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, क्योंकि कोरोना यहीं से अंदर जाता है, नाक से या मुंह से, मास्क की बचाओ और प्रधानमंत्री जी ने हमें से मेरी बेटियों को तिलक लगाना था, आज मैंने नहीं लगाया, मैं कभी और पास छोड़ूंगा, क्योंकि अभी पास से तिलक लगाना भी कोविड के नियमों का पालन नहीं। और इसलिए देखिए इस समय अपनी प्राथमिकता है कि महामारी पर विजय कैसे प्राप्त करें। ये अदृश्य दुश्मन है हमारी, बड़ा खतरनाक वायरस है, बहरूपिया भी है, ये रूप बदलता है, मतलब अभी एक वायरस की दवाई बनाए तो ये दूसरे राउंड में इसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। अभी दोबारा जो भारत में फैला, और जो वायरस फैला वो और ज्यादा खतरनाक था पहले, और ये मौतें हुई है बहुत, हमने अपनों को खोया, कई लोगों ने लापरवाही की। मैं कई दिनों से, आपने देखा होगा, भोपाल में मास्क लगाता रहा, लोगों के अनाउंस करके समझाता रहा, स्वास्थ्य आग्रह पर बैठा, दुकानों पर गोले बनाए, 90 दिन लॉकडाउन रहा और 90 दिन के बाद खोला तो फिर बढ़ना शुरू हो गए। आप ही मुझे बताओ, अब फिर से ऐसी महामारी को बढ़ने जाना चाहिए क्या? तो सही का तीन है, नंबर एक, हम कोविड को रोकने का आचरण बना के रखें, मतलब मास्क लगाएं। आप सब समझाना, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, कई बार जब बीमार नहीं होते तो फिर कहते काहे का मास्क, आप तैयार हो गई, और ऐसे में धोखा हो जाता है। सुरक्षित दूरी पर हमको बैठना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए, अनावश्यक घर से ना निकले, निकलने को मना नहीं कर रहा, दुनिया कैसे चलेगी, लेकिन सावधानी से। तो एक तो तरीका यह है कि कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार, दूसरा हमने तय किया भैया टेस्ट करेंगे तो लगभग 80,000 टेस्ट रोज करेंगे। अब कई गांव में टेस्ट का मना करते हैं, टेस्ट लगाना भैया, टेस्ट करवाते रहना है, क्योंकि टेस्ट से ही समय में पकड़ में आया, अगर वो और पकड़ में आया तो अपने दबोचा करो ना, और नहीं पकड़ पाए तो फैल फैलते हैं, 1 से 10 में 10 से 100 में 100 से 1,000 में हो जाएगा। तो सरकार खूब टेस्ट करेगी,
नहीं है लक्षण तो भी हम टेस्ट करेंगे भैया, टेस्ट करवाते रहना कभी मना मत करो, ताकि कोई मिल जाए तो तुरंत अलग थलग रख रहे और उसके संपर्क में आए लोगों का भी टेस्ट कर ले, तो ऐसे हम फैलने से रोक दें उसको। फिर कोरोना अभियान चलाते रहे, जांच करते रहे, कहीं फैल तो नहीं ना, अस्पताल अस्पताल में बिस्तर ऑक्सीजन की व्यवस्था को बढ़ाते रहे। लेकिन सबसे प्रभावी उपाय है जिसके लिए आज पराशरीफी में आया हूं, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कहा, अपने प्रधानमंत्री जी ने तो गजब कर दिया, अप्रैल में टास्क फोर्स बनाई और पहली बार इतनी जल्दी महामारी की वैक्सीन बना के तैयार करवा दी नरेंद्र मोदी जी ने। अब वैक्सीन अपने पास आ गई, हमको वैक्सीन लगवाना है, आज और कोई कार्यक्रम नहीं, मैं हर जगह और अब मैं छोड़ूंगा नहीं, कोरोना के पीछे में और आप पड़े रहे, सबसे कहा भैया वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कहते हैं कि वैक्सीन अगर लग गई तो कोरोना का संक्रमण या तो होगा ही नहीं, और हुआ तो वो शरीर पे ज्यादा असर डालेगा ही नहीं, क्योंकि शरीर में उससे कोरोना से लड़ने की वायरस से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी, तो लड़के वायरस को ही खत्म कर देगा, मतलब जिंदगी नहीं जाएगी, जिंदगी बचेगी, या तो होगा ही नहीं या फिर बहुत कम असर होगा कि हमको जिंदगी बचाने का की ताकत मिल जाएगी। और इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, केवल पराशरी और दतिया जिले वालों से नहीं, आज यहां से अभियान का मैंने शुभारंभ किया है, इसलिए पराशरी दतिया की इस पवित्र धरती से मेरे प्रदेशवासियों मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं, वैक्सीन लगवा रहे मेरे भाई और बहनों, वैक्सीन संजीवनी है, वैक्सीन नहीं है, जिंदगी है, जिंदगी लाइफ चल रहा है, जिंदगी अगर भगवान ने दी है इसको गवाना नहीं है रे, इसको बचाना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा, अपने आप को खतरे में मत डालो। कुछ लोग विरोध करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, वो समाज के दुश्मन है जो विरोध करते हैं, उनको पता नहीं वो कितना नुकसान कर रहे हैं, वो जनता की जिंदगी से खेल रहे हैं। मैंने आज माई से भी एक माई इतनी कृपा कर दे कि तीसरी लहर अगर आए तो उसका मुकाबला करके हम उस लहर के प्रभाव को ही समाप्त कर दे, मां ये ताकत दे दे। माई के चरणों में भी यही, लेकिन माई भी कहती है कर्ज को तुम्हें ही करना पड़ेगा, वैक्सीन तो लगवा ही पड़ेगी, साथ आनी रखनी पड़ेगी, और ये वैक्सीन लगवाना वित्तीय सुई कोई डर नहीं होता, मैंने पूछा सब कुछ भैया जा रहा था डर क्यों क्या जा रहा था, आवाज जा रही है इसमें, प्लीज आप क्यों खराब कर रहे हो कार्यक्रम, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, कोई कोई को 100 में से एक आध को एक आध दिन हल्का बुखार आता है, अरे जो बड़ी उम्र के बैठे मेरी उम्र के उनने वो नस्तर लगवाए थे कि नहीं बचपन में, चेचक के हाथ में लगते थे ना, ठीक है चेचक के तीन निशान बने होंगे ना, ऐसे लोग उस समय चेचक महामारी से अपने भी तीन तीन निशान बने हाथ में, कम जाते थे पता होगा, कम जाते थे थोड़ा बहुत बुखार आ जाता, इन वैक्सीन में तो उतना भी नहीं है, कहीं को आते नहीं, कोई को थोड़ा बहुत बुखार आता है, लेकिन इससे जिंदगी अपनी बच जाती है, और इसलिए इससे बड़ा कोई अभियान नहीं है, ये जिंदगी बचाने का अभियान है मेरे बहन और भाइयों, और ये पूरा मध्य प्रदेश जिंदगी बचाने का, सारी हस्ती अलग अलग क्षेत्रों की यही कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन कराओ, वैक्सीन लगवाओ, तो आप भी वैक्सीन लगवाएं और आप बाकी को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें कि मैंने लगवा ली, अब आप भी वैक्सीन लगवाओ। देखो अपने सोशल मीडिया पर पत्रकार, चिंतक, कलाकार, लेखक, साहित्यकार, राजनेता, धर्मगुरु, समाजसेवी सब ने अपील की है वैक्सीन लगा रहे, ये वैक्सीन लगवाना है और एक दिन को रोज लगवा, उसको लिखाऊंगा दूसरा रोज कौन सी तारीख से कौन सी तारीख के बीच लगेगा, मैं पराशरी के माध्यम से पूरे प्रदेश से प्रार्थना करता हूँ, वैक्सीन जरूर लगवाइए ताकि अपनी जिंदगी सुरक्षित रह सके, और मैं तो भैया अब छोड़ूंगा नहीं इस अभियान को, जिंदाबाद जी जान से लगाओ रे भैया वैक्सीन, लगाओ रे भैया वैक्सीन, लगाओ रे भैया वैक्सीन।
उनको और प्रायोरिटी देने का काम करेंगे ताकि बच्चों को भी हमको सुरक्षित रखना। और यदि आप सब वैक्सीन लगवाए, आज मुझे चूंकि भोपाल में भी अभियान में जाना है, सीहोर में भी जाना है, वैसे थोड़ी देर हो गई, एक बार हाथ जोड़कर अपने नेता कार्यकर्ताओं से और जनता से माफी मांगता हूँ। मैं पहले जैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि अभी मैं मिलूंगा तो लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री गड़बड़ कर रहा है, वो ही भीड़ में जा रहा है, और वो ही भीड़ से मिल रहा है तो कोविड के नियमों का पालन नहीं होगा। इसे माफ कर देना जी, तो मेरा भी चाहता है कि दोनों बाहें फैला के गले से लगा दूं आपको, लेकिन ये समय नहीं है मेरे बहनों और भाइयों। पहले कोरोना मार दे, इसके बाद खूब प्रेम से मिलेंगे। आप सब वैक्सीन लगवाइए और बाकी को भी प्रेम कीजिए। इन्हीं सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को आदर पोषण सकल अंग तुलसी सहित बने एक परिवार की मुखिया की तरह आपका आत्मीयों को धन। तो सीधी तस्वीरें आपको दतिया से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें इस बात का फ़ख्र है कि वो इस महाअभियान की शुरुआत में माई का आशीर्वाद लेने दतिया पहुँचे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि इसे एक महाअभियान के तौर पर आगे भी लगातार जारी रखने में उनकी मदद करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, टीकाकरण 100% ही हो जाता है, उसके बाद भी हमें तमाम लोगों से ये कोशिश जारी रखना है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप मास्क लगाए रखें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे, उससे ठीक पहले गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने लोगों से संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता, उनको बतौर एक एक्टिव नेता के जब कुछ बातें उनकी रख रहे थे सामने, तब डॉक्टर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने यह भी कहा कि दतिया को ये फ़ख्र भी हासिल है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब इस प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की, या फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की, इन तमाम योजनाओं और महाअभियान से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया पहुँचे और शुरुआत दतिया से की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया से इन तमाम योजनाओं की और आज के खासकर इस प्रोग्राम की शुरुआत दतिया से करने के पीछे जो वजह बताई, उन्होंने कहा कि हमको तो जागरूक होना ही है, तमाम लोगों को भागीदार बनना है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद के बिना ये तमाम चीज़ें अधूरी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दतिया के पीताम्बरा पीठ पहुँचने, माई के दर्शन करने और प्रार्थना के जरिए ये अपील करने कि न सिर्फ इस महाअभियान को सफल बनाएं, बल्कि इस पूरी दुनिया से कोरोना जैसी महामारी को ख़त्म भी किया जाए। ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मीडिया से चर्चा के दौरान कहीं। इस अभियान को महत्वपूर्ण कितना मानते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो कितना चाहते हैं कि दरअसल हर शख्स को जो मध्य प्रदेश में है उसे कोरोना का टीका लग जाए, इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी छोड़कर दतिया पहुँचते हैं, पीताम्बरा पीठ में माई के दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और इस महाअभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री दतिया से करते हैं। तो तस्वीरें आपको दतिया से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री के साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गृहमंत्री। तो आज मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है। 10 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। 7,000 सेंटर्स बनाए गए हैं, 35,000 कर्मचारी हैं। इसके अलावा जिस तरह से मतदान एक अभियान के रूप में चलाया जाता है, उसी तर्ज पर आज मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, दतिया में मौजूद हैं। वृक्षारोपण भी मुख्यमंत्री यहां पर कर रहे हैं, पेड़ उन्होंने लगाया। इससे पहले भी हमने देखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पेड़ लगाकर ये संदेश भी दे रहे हैं कि पर्यावरण को बचाना भी अब हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। कोरोना काल की दूसरी वेव में हमने ऑक्सीजन की जो किल्लत देखी है उस पर पूरी दुनिया में त्राहिमाम देखने को मिला। मुख्यमंत्री न सिर्फ वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर हैं बल्कि वो पर्यावरण को बचाने को लेकर भी गंभीर हैं। इससे पहले करंज का पेड़ उन्होंने राजधानी भोपाल में लगाया था,
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चंद दिनों पहले जब पचमढ़ी पहुंचे थे वहां पर भी उन्होंने पौधा लगाया और ये संदेश दिया कि पर्यावरण और इस पर्यावरण में ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो वैक्सीनेशन